शिंदे गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और हर साल हमारा कॉलेज का एजुकेशनल टूर आता है जो शॉर्ट टूर्स भी होते हैं लॉन्ग टूर भी होते हैं, जिसमें इस बार बच्चों ने पर्टिकुलर सांची स्तूपा, भीमबेटका, खजुराहो, मध्य प्रदेश का ही सारा पार्ट चूज़ किया है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आर्ट हिस्ट्री में और बच्चों को फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ों को जब प्रैक्टिकली जब देखते हैं और थेराटिकली जब पढ़ते, इसमें काफ़ी फ़र्क डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकल आने के बाद जब देखा बच्चों ने रियलिटी में, तब उनको महसूस हुआ, फील हुआ, बेसिकली उन्होंने फील भी किया कि एंशियंट टाइम किस तरह से फिगरेटिव काम हुआ करते थे और अभी कैसे काम होते हैं। तो इस काम के थ्रू इनके काम के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस नज़र आता है, इंस्पिरेशन लेके जाते हैं। हेलो, आप सब, माय नेम इज़ अंशु। हेलो, माय नेम इज़ संगीत वर्मा। बेसिकली हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर के। मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट से हूँ। आई एम फ्रॉम अप्लाइड आर्ट्स। और ये हमारा एक एजुकेशनल टूर ही चल रहा है। इस बार हमने एमपी को कवर करने की कोशिश करी है, जितनी भी यहाँ पे जो साइट्स हैं, जैसे भीमबेटका हो गई, उदयगिरी केव्स हो गई, सांची। बेसिकली वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक्स ऑन आर फाउंडेशन, हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो वही हम देखना चाहते थे कि क्या है यहाँ पर, कि कैसे दिखता है, क्योंकि पेपर पे तो उतना नहीं दिखता ना जितना लाइव जाकर दिखता है। और जैसे तो सर ने भी बताया कि जब हम एक्चुअल लोकेशन पे जाके वो चीज़ें देखते हैं और उन्हें फील करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है, रेदर देन बुक में अपने सिर्फ पढ़ लिया। और दैट्स द ग्रेट नॉलेज। हाँ, और एक आर्ट, मतलब आर्ट कॉलेज से होने के मतलब उससे भी, तो यहाँ पर आकर उन चीज़ों को महसूस करना, देखना कि कैसे पहले ड्राइंग्स होती थी और अब क्या हो रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशंस जो हैं वो हमारी आसपास की जगहों से ही मिलती हैं हमें, तो पहले क्या काम हुआ है और अब क्या हो रहा है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ऐसी नॉलेज मिलती है करने के लिए। बाकी यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात की जाए, जैसे कि वो भी टूरिस्ट हमारे गाइड भी बता रहे थे कि मतलब इतना सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, कि काफ़ी चीज़ें अब डिसअपियर भी होनी शुरू होगी ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड यू नो फैक्यूलिटी। पानी का कोई फैसिलिटी नहीं है, थर्स्ट थोड़ा हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कितना हाई रहता है मध्य प्रदेश में। बाकी बट ओवरऑल कितने मतलब हम जहाँ से हैं वहाँ से, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब नेचर की भी बहुत सारी अलग चीज़ें दिख रही हैं, और जैसे रॉक्स हो गए, इवन मिट्टी तक में भी बहुत डिफरेंस है कलर के, तो बहुत सीखने को ऐसे मिल रहे हैं कि नेचर से भी काफ़ी लर्न कर लेते हैं जो यहाँ पे ऐसी ड्राइंग हुई हुई है। और जैसे कोई एनिमल भी बनाया हुआ है, कोई फिगर भी बनाई हुई है, तो उसको किस तरह से बनाया गया है कि मतलब इतने कम एलिमेंट्स में जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे लाइंस हैं स्पेस में, और मतलब उनके टेक्सचर हैं, जो मीडियम यूज़ करा हुआ है उन्होंने, वो कि लाइफ टाइम तक वो अभी तक देखने को मिल रहा है हमें वो मीडियम अभी भी, कि उन्होंने क्या ऐसे रिसोर्सेज रहे होंगे उनके, है ना, कि वो नेचुरल इफेक्ट्स इतने भी आए तब भी वो अभी प्रेजेंट है यहाँ पर ना। बेसिकली तो, क्या टेक्नोलॉजी हमारी बहुत कुछ डेवलप हो चुकी है, पर उस टाइम जब हम 20,000-25,000 साल पहले की बात जब करते थे, उनके ड्राइंग्स में और उनके फिगर्स में, तब कोई स्कूल तो थी नहीं, ना ही कोई एजुकेशन था, ना कुछ था, पर तभी भी उनके इतने पावरफुल ड्राइंग्स और फिगर्स उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है कि सारे बच्चे देख के अचंभित हो गए। बेसिकली माने कई बार ऐसा लगता है कि आर्ट स्कूल का भी बच्चा कर पाएगा कि नहीं, कि इतना स्ट्रॉन्ग ड्राइंग उन्होंने, बेसिक शेप्स है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट की गई है और किस तरह से बनाई गई है, कि आप उसको फील कर सकते हो कि वो मतलब वो एनिमल है या फिर वो सीन डिपिक्ट किया जा रहा है। इट्स अ कम्युनिकेशन, जब कभी वो आपस में बात करते हो गए या फिर कुछ उनका बात करने का, क्योंकि लैंग्वेज तो बाद में डेवलप हुई ना, पहले चित्र आए सबसे पहले, तो चित्रों के द्वारा ही वो कम्युनिकेट करते थे क्या है, कोई शिकार किया है या फिर किसी एनिमल को देख लिया है या किसी पक्षी को देख लिया है, तो वो ड्रॉ करके वो उस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे चित्रों में। मुझे लगता है एक्टिविटीज जो क्या करते थे, जैसे डांसिंग है ना, डांसिंग फिगर्स थे जो उन्होंने आसपास के जो हंट करे होंगे एनिमल्स, सेलिब्रेशन, हां सेलिब्रेशंस है, वो सब डिपिक्ट किए गए हैं। जैसे एक अभी हम वो रोर भी देख कर आए हैं, वो एक ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ी फिगर है वो, लेकिन वैसा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा एनिमल तो हो नहीं सकता, तो कुछ इमेजिनरी भी है वो चीज़ें। माने उस टाइम भी ह्यूमन बींग का माइंड बहुत शार्प था, जिस तरह से आज हम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं कि पहले की इस एंशियंट टाइम में या माइंड काम नहीं करता, माइंड काम कर रहा है तभी तो आपकी फिगर्स ड्रॉ हो रहे हैं ना उसमें।
तो और बेस्ट पर ये कि उन्होंने सिर्फ लाइन ड्राइंग में वो चीज़ कह दी जो हम मतलब अगर हम कि मतलब उनको सिर्फ इतने कम एलिमेंट्स थे फिर भी उन्होंने इतनी अपनी लाइफ के बारे में और अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे नॉलेज कह लो या फिर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग बच्चों ने भी बच्चों के साथ साथ हम टीचर्स ने भी बहुत सारा इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं। हो सकता है आगे वाले टाइम में हम अपने काम में भी वो नज़र आएगा, बच्चे भी इंस्पायर हो चुके हैं अपने काम में, उनके फिगर्स नज़र आएगी। साची स्तूफा देखें उस टाइम भी अशोका टाइम है एंशियंट टाइम में, मुझे लगता है तभी भी मेल फीमेल के लिए समानता ही थी। हाँ, हमने एक वो एलिफेंट पे, वो एलिफेंट को राइड करते हुए एक वुमेन थी। यस, तो कि मतलब इक्वल प्लेस दिया होगा ना वुमेन और मेन को, तब भी वो मेन भी एलिफेंट चला रहा है और वुमेन भी एलिफेंट पे राइड कर रही है, तो बहुत वो बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज थी। एंशिएंट टाइम से भी इक्वालिटी दोनों में दिखाई, समान बराबर का। पर अगर हम भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पे वो नहीं है ना कि जेंडर बेस्ड नहीं है, फिगर सेम है।